हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं टेस्ट लूँगा स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 40। अगर आप लोग 40 में से 23 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है और आप लोग इस एग्ज़ाम को आसानी से भी क्लियर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जो क्वेश्चंस होंगे आपके, 10 क्वेश्चंस आपके जीके जीएस के होंगे एंड 10 क्वेश्चंस आपके हिंदी लैंग्वेज के होंगे, 10 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के होंगे, 10 क्वेश्चंस आपके जो हैं कला वर्ग के होंगे। जो लोग जैसे विज्ञान वर्ग से हैं, कृषि वर्ग से हैं, कॉमर्स वर्ग से हैं, तो वो लोग भी कला वर्ग के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि कला वर्ग में जो प्रश्न आते हैं वो ज़्यादातर इतिहास, भूगोल यानी कि जीके के इसमें क्वेश्चंस आते हैं, तो आपका जीके का पोर्शन जो है मजबूत हो जाएगा। तो चलिए इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट में अपना नाम स्कोर ज़रूर बताइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बताने का प्रयास करें। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो वो था परम 8000। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, इसका अनावरण कब किया गया था? 1991 में। ठीक है, और वर्तमान में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम सिद्धि। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, भारत में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब से हुई है? भारत में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब से हुई है? तो भारत में सर्व शिक्षा अभियान की जो शुरुआत हुई है वर्ष 2001 से हुई है। ऑप्शन जो आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वैध शासन अर्थात दोहरी शासन व्यवस्था को किसने समाप्त किया था? सभी लोग जवाब दीजिए। तो द्वैध शासन अर्थात दोहरी शासन व्यवस्था को जो समाप्त किए थे वो समाप्त किए थे वॉरेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन जो आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 2021 में आपको बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। डेली आप लोग मॉक टेस्ट ज़रूर सॉल्व किया करें ताकि आपको पता चल सके कि हमारी तैयारी कैसी है। और इसमें मैं जितने भी क्वेश्चंस लिया हूँ सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिया हूँ। निम्न में से कौन महिला क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो दीपिका कुमारी जो है महिला क्रिकेट से संबंधित नहीं है, बाकी ऋचा घोष, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंथाना, ये सब क्या हैं? क्रिकेट से संबंधित हैं। तो ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अच्छा, यहाँ पे दीपिका कुमारी हैं तो इनका किस खेल से संबंध है? तो तीरंदाजी खेल से संबंध है। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, ये करंट का है। मिर्ची म्यूजिक अवार्ड 2020 म्यूजिक कंपोजर ऑफ द ईयर निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? तो प्रीतम को जो है प्रदान किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इग्नू के डिजिटल कोर्स का क्या नाम है? इग्नू के डिजिटल कोर्स का नाम क्या है? तो इग्नू के डिजिटल कोर्स का जो नाम है वो है ई ज्ञान कोश। ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना कब पास हुई थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना कब पास हुई थी? तो ये जो है पास हुई थी सितंबर 2005 में। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। डोगरी भाषा बोली जाती है, डोगरी भाषा बोली जाती है कहाँ पे? पुदुचेरी में, जम्मू और कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, मेघालय में, कहाँ पे बोली जाती है? तो डोगरी भाषा जो बोली जाती है वो जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक हैं, ए हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और द्वितीय राष्ट्रपति भी थे, ये भी आपको याद रखना है। इनका जन्मदिवस जो है 5 सितंबर को हुआ था और इनके जन्मदिवस के रूप में जो है शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। एडुसेट जो है कब लॉन्च किया गया था? एडुसेट कब लॉन्च किया गया था? सब लोग जवाब दीजिए। ये एक संचार उपग्रह है। ठीक है,
तो ये जो है लॉन्च कब किया गया था, सितंबर 2004 में, ठीक है, इसरो के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बात यहाँ पे इसरो की हो रही है, ठीक है, इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1969 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। और इसके प्रेजेंट टाइम पे जो है अध्यक्ष कौन है, तो के सिवान है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, डॉक्टर के सिवान। यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। गूलर का फूल होना मोहरे का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है, गूलर का फूल होना मोहरे का सही अर्थ निम्न में से क्या होगा, इसका बताइए राइट आंसर। अगर इस टेस्ट में 30+ स्कोर आप लोग करते हैं तो बहुत ही अच्छी तैयारी है आप लोगों की, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करें। तो गूलर का फूल होना मोहरे का जो सही अर्थ होगा वो होगा दुर्लभ वस्तु होना। ऑप्शन जो आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा, शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए जो है किस प्रत्यय का प्रयोग होगा, आ प्रत्यय का, ठीक है, शुता हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पैरों से लेकर सिर तक के लिए एक शब्द क्या होगा, पैरों से लेकर सिर तक के लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसके लिए जो शब्द होगा वो होगा आपाद मस्तक। क्या होगा, आपाद मस्तक। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जितने भी लोग टेस्ट को दे रहे हैं फटाफट वीडियो को यार लाइक कर दें, लाइक करने से कुछ भी नहीं होता, थोड़ा मैं मोटिवेट हो जाता हूँ अगर लाइक करते रहेंगे ऐसे ही, ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए जो है बहुत ही अच्छे अच्छे ऐसे जो है मॉक टेस्ट लाता रहूँगा। जैसे 200 प्रश्न के आपके एग्ज़ाम में पेपर होते हैं, 50-50 पार्ट में हो जाते हैं, तो ऐसे ही मैं पेपर की तरह पूरा टेस्ट आप लोगों के लिए लाया करूँगा, ठीक है। अगला प्रश्न, काव्य में भाव तथा कला के संदर्भ को बढ़ाने वाले धर्म को कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं ये आपको बताना है। तो वो कहलाते हैं क्या, अलंकार। ऑप्शन जो आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंग्य निबंधकार हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंग्य निबंधकार कौन हैं, तो वो हैं हरिशंकर परसाई। ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पे देख सकते हैं, सड़ानन शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए, इसका संधि विच्छेद बताने का प्रयास करें सब लोग। ज़्यादा आंसर सोचने का समय चाहिए तो आप लोग वीडियोज को रोक भी सकते हैं। ओके, तो ये जो है इसका छंद विच्छेद होगा षट धन आनंद। क्या होगा, षट धन आनंद। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये किस संधि का उदाहरण है, तो व्यंजन संधि का उदाहरण है। चक्रधर शब्द है कौन सा शब्द है, रूढ़ शब्द या यौगिक शब्द या योगरूढ़ या विदेशी शब्द है, कौन सा शब्द है चक्रधर, ये आपको बताना है। तो चक्रधर शब्द है आपका योगरूढ़ शब्द। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में अनिश्चय वाचक सर्वनाम कौन सा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, कुछ हो गया, कौन हो गया, यह हो गया, क्या हो गया, कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ये आपको बताना है। तो इसमें जो कुछ शब्द है जो है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। संबंध बोधक अव्यय किसके साथ प्रयुक्त होते हैं, संबंध बोधक अव्यय किसके साथ प्रयुक्त होते हैं, तो ये प्रयुक्त होते हैं संज्ञा अथवा सर्वनाम के। ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। संज्ञा और सर्वनाम के साथ जो है प्रयुक्त होते हैं संबंध बोधक अव्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी भाव को जगाने वाले उद्दीप्त करने वाले कारक हैं, स्थायी भाव को जगाने वाले और उद्दीप्त करने वाले कारक कौन से हैं, तो वो हैं विभाव। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पे आपके जो है रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, पेन कॉपी लेके रेडी हो जाइए क्योंकि आपको सॉल्व करना होगा, 10 क्वेश्चन हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है, निम्न श्रृंखला को पूर्ण करने हेतु दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित संख्या का चयन करें। यहाँ पे 27, 81, 54, 31, 93 है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये आपको बताना है। ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियोस को रोक भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 27 और 81 के बीच में अंतर क्या है, इसमें मल्टीप्लाई किया गया है, 27 का मल्टीप्लाई 3 से किया गया है तो कितना आ गया 81, ठीक है। उसके बाद 27 × 54 भी होता है, तो 27 का मल्टीप्लाई 2 में किया गया है तो कितना हो गया 54, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 31 का मल्टीप्लाई
किससे किया गया कि 93 हो गया, 31 का मल्टीप्लाई जब हम 3 से करेंगे तो 3 × 3 तीन तरीका 9, 93 आया। यहाँ पे आप समझें, पहले 3 का मल्टीप्लाई किया गया उसके बाद 2 का, और यहाँ पे पहले 3 का मल्टीप्लाई कर दिया गया है उसके बाद हमें किसका करना है 2 का। तो 31 में जब हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 2 = 6 आपका आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में यहाँ पे दिया गया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ऑटोमेटिक आंसर आपको पता हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यदि किसी सांकेतिक भाषा को भाषा में जो है प्रयागराज को 28 लिखा जाता है, वाराणसी को 25 लिखा जाता है, तो लखनऊ को क्या लिखा जाएगा, ध्यान से इसमें बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे प्रयागराज को क्या बताया गया, 28, ठीक है। इसमें हम जो है काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितने हैं, 9 हैं। 9 का मल्टीप्लाई इसमें जो है 3 से किया गया है और प्लस 1 ऐड कर दिया गया है। 9 × 3 = 27, 27 × 1 कितना होता है, 28 होता है, ठीक है। उसी तरह हम इसमें गिन लेंगे कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 हैं। उसी तरह हमें करना है, 3 का मल्टीप्लाई करना है, प्लस 1 ऐड कर देना है, 8 × 3 = 24, 1 = 25, ठीक है, हो गया आपका। उसी तरह इसमें हमें काउंट कर लेना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 है, 7 का मल्टीप्लाई किस में करना है, 3 में, प्लस 1 ऐड कर देना, 7 × 3 = 21, 21 × 1 = 22 हो गया, ठीक है। ज़्यादा एक्स्ट्रा माइंड लगाने की आवश्यकता नहीं इसमें, तो ऑप्शन सी वाला यहाँ पे 22 दिया गया है, यही इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द दिए गए मूल शब्द से नहीं बनाया जा सकता, मोलर को नहीं बनाया जा सकता, या लोकस को, या सोलस को, या एस्कार को, किसको नहीं बनाया जा सकता इससे, ये आपको बताना है। तो मोलर को बनाया जा सकता है, इसको भी बनाया जा सकता है, इसको भी बनाया जा सकता है, सोलेस को नहीं बनाया जा सकता, बाकी तो सब तो हैं, बाकी ई आपका इसमें नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों को एक अर्थ पूर्ण क्रम में रखिए तथा फिर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए। सभी लोग जानते हैं पहले क्या आएगा, मेज, लकड़ी, बीज, पौधा, पत्ती, क्या आएगा। देखिए पौधा पत्ती की बात हो रही है, ठीक है, तो पौधा कब होगा, जब बीज हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, बीज वाला आ जाएगा। बीज के बाद क्या होगा, बीज के बाद पौधा बनेगा, ठीक है। पौधा के बाद क्या आएगा, पत्ती आएगी। पत्ती की बात क्या होगी, लकड़ी होगी। लकड़ी से फिर आपका मेज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट में फर्स्ट वाला आ रहा था, ठीक है, तो इसमें है और इसमें है, ठीक है। अब देखिए 4, 5, तो 4, 5 इसमें भी है, यानी कि बीज के बाद पौधा, पौधा के बाद क्या आएगा, पत्ती, पत्ती का कोड क्या है, 2, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सी वाला जो है सही हो जाएगा, ये नहीं सही होगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, उस शब्द का चयन करें जो शेष 3 विकल्पों से अलग है। यहाँ पे चमगादड़, मुर्गी, बतख, शुतुरमुर्ग, तीनों से अलग कौन सा, ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए जो आपका विकल्प अलग है वो है चमगादड़। क्यों अलग है, जैसे यहाँ पे मुर्गी हो गया, बतख हो गया, शुतुरमुर्ग हो गया, ये सब क्या हैं, अंडे देते हैं, ठीक है, बल्कि जो है आपका चमगादड़ जो है पक्षी, ये बच्चे को जन्म देती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चमगादड़ इनमें से जो है भिन्न हो जाएगा। यहाँ पे ब्लड रिलेशन से है, एक लड़के के फोटो की तरफ इंगित करते हुए सुरेश ने कहा, यह मेरी माँ के इकलौते पुत्र का पुत्र है, सुरेश उस लड़के से किस प्रकार से संबंधित है। सभी लोग इसको सॉल्व करिए क्या होगा, और बहुत ही सिंपल सा है, अगर आप लोग ब्लड रिलेशन पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्या कह रहा है, एक लड़के के फोटो की तरफ इंगित करते हुए सुरेश ने कहा, यहाँ पे एस का मतलब सुरेश और प्लस का मतलब मेल है, ठीक है। सुरेश ने कहा यह मेरी माँ की, तो इसकी माँ कहाँ पे होगी, ऊपर होगी, और यह माइनस का मतलब होता है फीमेल, यह मेरी माँ के इकलौते पुत्र का, इकलौता पुत्र ये सुरेश ही होगा, इकलौते पुत्र का पुत्र है, तो ये सुरेश का पुत्र ये हो जाएगा।
सुरेश उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है? क्या पूछ रहा है? सुरेश उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है? ये जो सुरेश है उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है? तो इस लड़के का सुरेश कौन होगा? पिता होगा। ऑप्शन जो आपका डी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, ऊपर की तरफ हम जाते हैं तो पिता होते हैं, नीचे की तरफ आते हैं तो बेटा होता है, बगल में इधर आते हैं तो भाई बहन होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, यदि ए का अर्थ माइनस है, बी का अर्थ डिवाइड है, सी का अर्थ प्लस है, डी का अर्थ इनटू है, तो यहाँ पे इसका मान क्या होगा ये आपको बताना है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करें, इसका राइट आंसर क्या आएगा, सभी लोग इसे जो है सॉल्व करिए बैड मॉस के रूल से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, 30 है, 30 के बाद यहाँ पे बी है, बी का मतलब यहाँ पे देखिए डिवाइड है, डिवाइड लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे बी के बाद क्या है, 5 लिख देंगे, 5 के बाद ए है, ए का मतलब क्या है, माइनस लगा देंगे। उसके बाद 22 है यहाँ पे, उसके बाद सी है, सी का मतलब यहाँ पे देखिए क्या है, प्लस है, और यहाँ पे 40 है, डी का अर्थ यहाँ पे मल्टीप्लाई है, लगा देंगे, उसके बाद 10 हो गया। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे, डिवाइड यहाँ पे देखिए है 5 का जब 30 में डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, बाकी हमें इसी तरह नोट कर लेना है। उसके बाद हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, जब 40 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। अब हम 400 को इधर लाएंगे और ये 6 इधर आ जाएगा, माइनस का 22, 406 ये हो गया, 406 में से जब हम 22 माइनस करेंगे, 6 में से 2 गया 4, 10 में से 8 गया 8, एंड यहाँ पे 384 आपका आ जाएगा, सॉरी 288 यहाँ पे जो है 2 बचेगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो है आपका बी वाला करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसमें 384 होगा, सॉरी फिर से एक बार मैं सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, 30 हो गया और B का मतलब यहाँ पे क्या है, डिवाइड हो गया, उसके बाद यहाँ पे 5 हो गया, उसके बाद A का मतलब यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे 22 दिया गया है, C का मतलब यहाँ पे क्या है, प्लस है, उसके बाद 40 है, इनटू D का मतलब क्या है, इनटू, तो यहाँ पे 10 आ गया। फटाफट सॉल्व करता हूँ, 5 छक्का 30 माइनस 22 प्लस 40 हो गया, यहाँ पे 400 इधर आएगा तो 6 कितना हो जाएगा, 406 हो जाएगा माइनस 22, जब 422 में से जब हम यहाँ पे किसको माइनस करेंगे, 406 में से जब हम माइनस करेंगे 22 को, तो यहाँ पे कितना, 6 में से 2 गया 4, यहाँ पे बचा 10, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे बचा 3, 384। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, थोड़ी थोड़ी गलतियाँ हो जाती है, उसके लिए सॉरी। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कैलेंडर से है, यदि आज बुधवार है तो आगामी रविवार के 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करें। यहाँ पे क्या बताया गया, आज बुधवार है, W का मतलब वेडनेसडे, तो आगामी रविवार के, यदि आज बुधवार है तो आगामी रविवार के 25 दिन बाद कौन सा होगा? आगामी रविवार कब आएगा, 4 दिन बाद रविवार आ जाएगा, यानी कि संडे। ठीक है, यानी कि संडे के 25 दिन बाद कौन सा होगा, तो हम 25 को जब हम 7 से डिवाइड कर देंगे, ऑड डेज निकालेंगे इसमें, ठीक है, एक्स्ट्रा, तो 7 * 21 बचे कितना, 4, 4 डे एक्स्ट्रा हो गए इसमें। ठीक है, अब हम संडे से काउंट कर लेंगे आगे, संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, यहाँ पे क्या आएगा, थर्सडे यानी कि बृहस्पति। ऑप्शन जो है आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दिए गए आरेख में सही आरेख को चुनें, फल सब्जी सेब, फल सब्जी सेब। तो देखिए, सबसे पहले हम फल का जो है आरेख बनाते हैं, फल हो गया, और फल के अंतर्गत सेब आता है तो ये हो जाएगा, उसके बाद सब्जी इसमें से अलग होगा। ठीक है, ऑप्शन जो है आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फल के अंतर्गत सेब आता है और सब्जी इनसे जो है भिन्न है, तो ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अगला प्रश्न, दो कथनों के आगे दो निष्कर्ष फर्स्ट और दिए गए हैं, इसमें से यहाँ पे सभी को पढ़िए, सभी शेर चूहे हैं, कुछ बिल्लियाँ शेर हैं, यहाँ पे कौन सा निष्कर्ष सही होगा, कौन सा नहीं होगा, ये आपको बताना है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करें। चलिए सॉल्व करते हैं, सभी शेर चूहे हैं, सभी शेर जो हैं चूहे हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ बिल्लियां शेर हैं, कुछ बिल्लियां जो हैं आपकी शेर हैं,
ये बिल्लियाँ, बस ये हो गया ठीक है। अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है, कुछ बिल्लियाँ चूहे हैं, कुछ बिल्लियाँ चूहे हैं, तो कुछ बिल्लियाँ जो हैं चूहे हैं, बिल्कुल हाँ है ठीक है। तो ये वाला तो आपका सही हो गया, कोई चूहा बिल्ली नहीं है, कोई चूहा बिल्ली नहीं, नहीं ये तो है। तो ऑप्शन ये वाला जो है आपका कुछ बिल्लियाँ चूहे, यही निष्कर्ष फर्स्ट जो है आपका अनुसरण करता है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, बाकी कोई अनुसरण नहीं करता है। यहाँ से आपके कला वर्ग के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, फटाफट इसे सॉल्व करते हैं। अशोक के अधिकतर अभिलेख निम्नलिखित लिपियों में से किस में लिखे गए थे, सभी लोग जवाब दीजिए, किससे लिखे गए थे, किस में लिखे गए थे, तो ये लिखे गए थे ब्राही लिपि में, ऑप्शन जो आपका डी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं, विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं, तो ये संबंधित है बौद्ध संघ के नियम से, ऑप्शन जो आपका बी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित निम्नलिखित भाषाओं में किस में लिखी थी, किस भाषा में लिखी थी, तो इसको जो है लिखी गई थी संस्कृत भाषा में, ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, सूफी मत के अनुसार खानकाहों से अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है, इसका अभिप्राय वे स्थान जहाँ सूफी संत बैठकों का आयोजन करते हैं, यही खानकाहों से अभिप्राय है, ऑप्शन जो आपका ए करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, 19वीं सदी में निम्नलिखित में से किसने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा का तर्क दिया था, शिक्षा के लिए तर्क दिया था, क्या मुमताज अली ने, ऑप्शन जो आपका बी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारतीय राज्य की सरकार किस प्रकार की है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो भारतीय राज्य की सरकार किस प्रकार की है, ये प्रकार की है, लोकतांत्रिक सरकार है, ऑप्शन जो आपका बी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति समानता को प्रचारित करने के लिए निम्नलिखित में से किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, तो वो किए थे ज्योति बराव फूले ने, ऑप्शन जो आपका बी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ग्रहों के निम्नलिखित समूह में से किस समूह के चारों छल्ले हैं, चारों ओर जो हैं छल्ले हैं, शनि बृहस्पति और यूरेनस के जो हैं चारों ओर छल्ले हैं, ऑप्शन जो आपका डी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पृथ्वी को भू आभ के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए, पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है ठीक है, ऑप्शन जो आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्योंकि जो है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है, उतना ही समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लेता है। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके टॉप 40 क्वेश्चंस। इन 40 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों, तो आप लोग अपना नाम स्कोर जरूर बताइएगा, कितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हैं तो आप लोग नाम स्कोर जरूर बताइएगा। और ये टेस्ट आपको कैसा लगा, इतने क्वेश्चंस सही हैं या आप लोगों के लिए मैं और थोड़ा क्वेश्चंस इसमें बढ़ाऊँ, ठीक है, इसमें साइंस के क्वेश्चन भी मैं ऐड कर दिया करूँगा कुछ दिनों में, तो स्कोर और नाम जरूर बताइएगा। ये टेस्ट आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा इस वीडियो को, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब आप लोग नहीं किए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अगर आपका 40 में से 30 से निस्केर स्कोर जो है हो रहा हो, तो आप लोगों की तैयारी करने की आवश्यकता है। आप लोग हमारे क्रैश कोर्स के माध्यम से भी तैयारी कर सकते हैं, मात्र वो भी 99 रुपये में आप लोग अपनी तैयारी घर बैठे कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जब आप लोग लिंक पर क्लिक करेंगे तो उसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पूछा जाएगा, उसके बाद 99 रुपये पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद PDF डाउनलोड हो जाएगी, इस PDF में इतना मटेरियल है, अगर आप लोग पूरे मटेरियल को पढ़ लेते हैं तो आप लोग फ्री सीट के भी हकदार हो सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।